पापा 15 बजे फुर्सत ना हो। वो दिखाई करते हैं जीजू की आज। जाने मेरी जाने बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाने। बताओ क्या लाए हो। तो जैसा कि आप सभी को पता है होलियां भी हो गई है समाप्त और टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज क्या स्पेशल है। तो आज है पीयूष का बर्थडे, तो सबसे पहले तो पीयूष को हैप्पी बर्थडे और आप लोग भी विश कर देना पीयूष को। और उसी के साथ साथ आज का ब्लॉग भी शुरू करते हैं। सो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को, स्वागत है आपका स्नेह माई के एक नए दिन नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, हम लोग भी एकदम बढ़िया। सो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं क्योंकि माई थोड़ा सा बिजी है। तो नाश्ता भी हो गया हमारा और आजकल मैं नाश्ता बना नहीं रही हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो फिलहाल कर लेते हैं थोड़ा सा मौसम का मुआयना, उसके बाद दिखाती हूँ माई किस काम में बिजी है। तो मौसम है कुछ ऐसा, हल्की हल्की सी धूप है आज, हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं और सूर्य भगवान पहुँच गए हैं यहाँ पर। बाकी आजकल ना बड़ा अजीब सा लगने लग गया है, उदासी वाले दिन आते हैं ना वो आ गए हैं आजकल, क्योंकि सब सूखा सूखा सा है। एक तो बारिश नहीं हो रही है तो जो फसलें वसलें हैं ना वो भी अच्छे से हो नहीं पा रही है, सब सूखी सूखी सी लग रही है, गेहूँ वगैरह। बाकी सामने पे एक पेड़ है, ये बहुत सुंदर खिला है, ये देखिए इस पे वाइट कलर के फ्लावर्स आए हुए हैं, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है ये पेड़। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि माही का क्या काम हो रहा है। ठीक है, ये देखो ये सिल रहे हैं, बाइक का कवर सिल रहे हैं दो लोग मिलके। कैसे फट गया आपके बाइक का कवर? जनों का खाली भी एयर है क्या? वाट लगी है इसकी। किस कैसे हालत खराब हो गई, पूरा कवर फट गया है इनका, कुत्तों ने पूरा कवर फाड़ दिया है। तो अब इनको नया लेना चाहिए, उसकी जगह ये सिल रहे हैं इसको अच्छे से। क्यों भाई? नया लूंगा तो वो भी उसको भी तो फाड़ ही देंगे कुत्ते। अच्छा, तो मतलब इसी से काम चलाओगे? मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही चलता रहे। नहीं है मालिश भी उगले फाड़ दिया। ताई यही सिल दे, इसी को चार करने से। कितने साल चलाओगे उसको? तो ये तो फिर आपका बाइक के लिए छोटा पड़ने लग जाएगा। फिर नॉन नहीं है जाले? बताओ छिलते छिलते ये देखो, ऐसे चीर फाड़ कर रखा है कुत्तों ने, इसका ऑपरेशन कर रखा है पूरा, छिला छिलो। तो मैं भी बैठ गई हूँ मम्मी लोगों के साथ, तो मम्मी से थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि उनका यहाँ मन लग रहा है नहीं लग रहा है, या फिर पापा की याद आ रही है। तो बताओ तो मम्मी लग रही हो तुम मन या तुम मन यो लग रही हो या घर से तुम मन? घर से देवा मन घर है या खाली आशुर रह रही है? आशुर ओए बे ना लग जान घर है तुम मन ना लग रही हो ना है कि मन लग रही है आप? मैं घर को तो काम भी हो तो पापा है तुम क्यों कौन सा? हाँ वो बताओ कि लगी यो ब्लॉग हुई रहा था जाल ये? तो पापा दिखा लेगा 8 बजे, फिर उधर देख बेर, फिर तुम ही कॉल कराल, तुम अब मैसेज दो कि क्यों कौन सा पापा है, क्यों कौन सा पापा है, क्या तो कौन सा नहीं दिला पापा जो तुम मुख पापा 15 बजे फुर्सत ना हो, जो तुम मुखा शब्द मैंने कह सकता हूँ फुर्सत ना पापा का कि कौन नहीं से एक गोर से भैंस बुखार से और एक बस से अब ध्यान रखा कहू मैं उन तक जाने जाने अब ध्यान बल्कि करिया बार बार रद्द कर दिनी ब्या आप को लिन्न यार बिटाम में ना आज बेच दी को लिन्न बिटाम में का बेच बेच कर ली बेच बेच की करूं बैरुनी कदरी है उन्हें कदरी अंदर जनी नंतिना दगाड़ा बोल अब वो बोना दगाड़ जो पाँच सीवाऊ कहाँ जाई मेरे दिल में फिर इकार है जल्द मुनी अब तो शे करूं मुंह घर जाए भी उन्हें बेचियो फिर शी दब दौड़ी जाओ कदना यही हो कदना अंदर जाओ कदना घर आ जाओ कुछ गुरुवार भाग्य आने पाऊंगी आप तो क्या करूं। तो गाय बच्चे हमारी बिकाऊ है, उसमें है एक भैंस जो कि ब्याने वाली है और गाय है जो कि दूध देती है, अभी 1 महीना हुआ है उसको ब्याए हुए। तो
कीमत हम लोग घर पे आके बताएंगे। आप लोग जो भी देख रहे हैं व्लॉग, सस्त मिल जाल और गोरले एकदम मिल जाल बढ़िया गोरले भैंस तो मैंने दिखाई रखा है कि नॉर्मल भूल गई गोबुली मैंने दिखाई रखा है तुम्हें सबन। तो अचानक से थोड़ा सा काम आ गया था मार्केट का, अभी मैं मार्केट आ गया हूँ, देव सिंह पार्किंग में हूँ, थोड़ा गांधी चौक तक काम है, चलते हैं मार्केट, थोड़ा सा काम निपटा लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं आज पीयूष लोग के यहाँ भी जाना है। तो अभी निकलना था घर को, लेकिन बाइक निकालने की देखो बिल्कुल जगह ही नहीं है, अभी मैक्स वाले ड्राइवर भाई को ढूंढना पड़ेगा कहीं। तो मार्केट वाला काम तो निपटा दिया है मैंने, इतनी खतरनाक वाली भीड़ हो रखी है ना मार्केट में, वैसे भी 10:30 बजे का टाइम है तो काफी ज्यादा भीड़ हो रखी है। हम लोग आ गए पीयूष के घर पे, पीयूष का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं भीड़, यानी कि कुछ बहुत रिश्तेदार आए हुए हैं, पीयूष की चाची लोग और मम्मी यहाँ पे बैठी हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, बोलो हेलो, बोलो हाय करो, क्या नाम है तुम्हारा? अजय। अजय और तुम भी बताओ अपना। आरती। हाँ, तो अजय और आरती भी आए हुए हैं पीयूष के बर्थडे में, और पीयूष के मौसा जी और पीयूष कर रहे हैं डेकोरेशन, बाकी जीजू और दीदी किचन में अभी दिखाते थोड़े देर, ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं डेकोरेशन, पीयूष और माही और बाकी यहाँ पर खाना बना रहे हैं। क्या बना रहे हो भाई? यार पीयूष की बर्थडे की तैयारी है। क्या बना रहे हो? जीजू बताएंगे आज, बताओ क्या बना रहे हो, बोलो बना तो दे वहां पे, इधर देखो तो, इधर 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 देखो ब्लॉग में, जीजू की शक्ल दिखाते हैं ब्लॉग में आज पहली बार, मुंह दिखाई करते हैं जीजू की आज। तो यहाँ पर बन रहा है चिकन वगैरह जो कि हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, अभी मेस पड़ा है पूरा। ये सारा गिफ्ट, ये सारी टॉफीज और चुपा चुप्स और सेंटर फ्रूट, पता नहीं ये क्या है भाई, ये कूल मेंट तो पता नहीं टिकता है, जो भी है ये सारी चीजें लाई है राखी, राखी लाई है पीयूष के लिए बर्थडे गिफ्ट। तो इसमें से हमें, मुझे क्या मिलने वाला है इसमें से, क्या खाऊं बता राखी? ये वाला सेंटर फ्रूट नहीं खाना मुझे, वो वाला थैंक यू, ये पीयूष ने मुझे दे दिया है। खा रहे मैं नहीं खा रही थी, तूने पहले गलत बात बोल दी। आप क्या लाए हो पीयूष के लिए बर्थडे गिफ्ट, क्या लाए हो बताओ, क्या लाए हो? कुछ नहीं लाए। ये ड्रेस लेके आए, रुक जा मैं तेरी ड्रेस दिखा देती हूँ, ये ड्रेस लेके लाए, लेके आए जीजू पीयूष के लिए बर्थडे गिफ्ट। आप क्या लेके आए हो? चुंबक। क्या करोगे चुंबक से? अच्छा सबसे सबसे बढ़िया है ना। तो ये है हमारा बर्थडे बॉय पीयूष, और पीयूष से एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है हमारी, या तो पीयूष गाना सुनाएगा या फिर डांस कर दिखाएगा। गाना सुनाएगा या डांस? गाना चल भी सुना। जाने मेरी जाने मजबूर का प्यार, मेरा भूल नहीं जाने ऐसा मेरा प्यार। ये वाला गा रहा है क्या? आप गा के सुना फिर। ये गा रहा था तू या सुना रहा था ऐसे ही? ये वाला गा रहा हूँ करके। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार, मेरा भूल नहीं जाने ऐसा मेरा प्यार। कौटिल्य पंडित जैसा लग रहा है, कौटिल्य पंडित जैसा तिलक विलक लगा के।
अब मेरे को ना आप भी गाना सुना और ये भी बता सकता है तू तेरे गाना सुना किसने क्या क्या गिफ्ट दिए तेरे को भी तो गाना सुना ना गाना सुना मेरा बर्थडे नहीं आता ना या तो गाना गाओ या तो डांस करो हम अभी गाएंगे ना हैप्पी बर्थडे अभी गाओ अभी गाओ आता ही नहीं है मेरे को आता है सुन मैं क्या बोल रहा हूँ तुझसे मैं ये कह रहा हूँ तेरे को क्या क्या गिफ्ट मिले आज खादी गिफ्ट खादी गिफ्ट खाता है इसको टॉफी वॉफी मिली है गिफ्ट ऐसे गिफ्ट कौन दे रहा है भाई तेरे को राखी ने दिया और बता किस किस को बुलाया तूने अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुलाया नहीं बोल रहा ये नहीं बोल रहा कि नहीं बुलाया चल कोई नहीं सीधे घर पे नहीं बुला सकता ना ठीक है अलाउड नहीं है उसकी आपने नहीं बुलाया आपने नहीं बुलाया बुलाया वो बुलाया क्या नाम है ये है पीछे नहीं दूसरा ये कागज दूसरा कोई नहीं है तो पूरा रूम हो चुका है फिलहाल डेकोरेटेड ये देखिए और पीयूष की चल रही है फोटोग्राफी यहाँ पर बाकी थोड़े बहुत मेहमान आ गए हेलो अंशु पीयूष कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है अच्छा क्या लग रहा है क्या अच्छा लग रहा है तुझे क्या लग रहा है मैं थोड़ा स्पेशल हूँ आज स्पेशल फील हो रहा है अच्छा सेलिब्रिटी वाला आप उधर क्यों नहीं जा रहे हो यहाँ क्यों खड़े हो तुम नहीं नौ दिन जाओ आप भी मैं कर दूंगी मैं दे दूंगी आपको फोटोज मनीष सुने चीची पूरा ही गंदा कर दे रहे कट होने के बाद अभी चल रही है तैयारी बच्चों को ये सब देने की जो भी चीजें हैं समोसे नमकीन केक मिठाइयाँ ये सारी चीजें तो बना रहे हैं प्लेट में दीदी मनीष और ये भी दीदी हैं और भाई यहाँ पे बैठे हैं मुआयना सबके लिए इक्वल का ये भी तो मुआयना कर रही है ये बेचारे ग्लासेस लगा के यहाँ पे बैठे हैं तो इनकी बॉटल ही नहीं आ रही है पापा ने कोको कोला पानी रखी है हो गया ये लगभग चार आदमी का केक खाने के बाद और पांच समोसे खाने के बाद पांच समोसे नहीं खाए यार अभी भी नॉट आउट है एक ही समोसा खाया केक तो पांच आदमियों का खा ही दिया तूने केक लवर केक खा लिया मैंने एक आपका जीजू का और खाया ऐसे है तूने जैसे गाय भैंस ने खाया है